हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो डियर, अगर आप B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस टेस्ट को दीजिए। 20 क्वेश्चंस हैं, 15 आपको करेक्ट करना है, ये टारगेट आपका है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। 20 क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे, ठीक है, जीके का प्लस हिंदी भी मिक्स रहेगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक्स या कॉर्नवॉलिस। 51 देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसमें के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार 1774 से 1785 ईस्वी तक वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राही अभियान था। अंतर्ग्राही अभियान था, भारत का पहला अंतर्ग्राही अभियान मंगलयान अभियान था। कौन सा था? ऑप्शन बी, मंगलयान अभियान। भारत ने 25 सितंबर 2014 को अपना अंतरिक्ष यान मंगल की कक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित कर इतिहास रचा था। तो डेट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। क्लियर है डियर। नेक्स्ट है आपका प्रेरक कौशल मस्तिष्क कि कौन से भाग के साथ संबंधित है। प्रेरक कौशल जो मस्तिष्क है हमारा, वो किस भाग से संबंधित है? तो ललाट भाग से संबंधित है, ठीक है, क्लियर है। तो जो ललाट भाग है वो मस्तिष्क के, जो मनुष्य को नई गतिविधियों को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है। जो आपका ये मस्तिष्क का ललाट भाग है वो व्यक्ति को या हम लोगों को, जो भी हम लोग नई नई एक्टिविटीज़ करती हैं, नई नई गतिविधियां करते हैं, उनको ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है। कौन सा स्तर है? एटमॉस्फेयर्स का हमारा कौन सा स्तर है जो कि इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं आइनोस्फीयर्स। क्या बोलते हैं डियर? आइनोस्फीयर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टैक्स, ठीक है, तो कौन सा टैक्स है जो कि राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। कौन सा टैक्स है जो कि राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, स्टेट जो गवर्नमेंट होते हैं उनके द्वारा वसूला जाता है। तो शराब पर आबकारी शुल्क, ठीक है, शराब पर आबकारी शुल्क, ऑप्शन ए। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक है, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। वह एकमात्र वर्षराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे कौन से वर्षराय हैं जिनकी भारत में हत्या हुआ था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो। कब हुआ था? 1869, ठीक है, 1869 में वह भारत का वर्षराय बना था, ठीक है, गवर्नर बना था। और उसके बाद इसकी जो मृत्यु हुई थी ना, इसकी जो हत्या हुई थी वो हुआ था 1872 में। 1872 में चाकू घोंपकर इसकी हत्या कर दिया गया था, ठीक है, अंडमान में। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैडम ब्लावत्स्की। और कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट होता है, तो 1882। 1882 ईस्वी में, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा। गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक आडू द लॉस्ट के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जॉन रस्किन, ठीक है, लेखक हैं रस्किन ब्रॉन्ड, इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने गांधी जी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। कभी कभी क्या आता है ना कि ये पुस्तक का नाम नहीं दिया रहेगा, आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी को प्रभावित करने वाले लेखक कौन है या गांधी जी को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व कौन है। तो ये उसमें जॉन रस्किन अगर रहता है तो आपको करेक्ट, रस्किन नहीं, ये रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड, ठीक है डियर, जॉन रस्किन नहीं, मैं बार बार जॉन रस्किन कह रहा हूँ, रस्किन बॉन्ड करेक्ट है। नेक्स्ट आपका, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? कौन सी भाषा बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? मलयालम लैंग्वेज, ठीक है। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? SHF J कार्स, कितना बड़ा नाम है भाई, 66 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। देखो, इनके ही नेतृत्व में भारत ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त किया था, ठीक है। तो इन्हीं के नेतृत्व में, नाम बड़ा है लेकिन काम भी इनका बहुत बड़ा है, ठीक है, ओके। चलो, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? 68 किस स्वरूप में स्थित है? कश्मीर घाटी का निर्माण वलन के परिणाम स्वरूप चट्टानों में बनने वाली अवनति का परिणाम है, अतः कश्मीर घाटी प्लेटो के स्वरूप में स्थित है, ठीक है, क्लियर है। जो कश्मीर घाटी है वो डल झील, वृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? यह है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? 74 नंबर, तो कौन सा है डियर? मालदीव, कौन सा है? मालदीव। आसान क्वेश्चन था। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन करता है डियर? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो पूजनीय, अब बताइए पूजनीय कैसे लिखा जाता है? पूजनीय, ठीक है, बाकी ऑप्शंस गलत, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है 78 का। उसके बाद सजावट का प्रत्यय पूछ रहे हैं, सजावट उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, तो इसमें प्रत्यय पूछ रहे हैं, तो कौन सा रहेगा? ऑप्शंस ये है आवर्त, ठीक है, सजावट का प्रत्यय क्या बनेगा? आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे समुद्र के गोताखोर ऑक्सीजन की आपूर्ति में हीलियम मिला लेते हैं, क्यों? क्योंकि रीजन पूछ रहे हैं। देखो, गहरे समुद्र के गोताखोर को ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि हीलियम ऑक्सीजन के साथ शीघ्रता से जल्दी घुल जाता है। समझ में आ गया क्यों मिलाते हैं? क्योंकि वो ईजिली क्या होता है ना, घुलनशील होता है, तो अच्छे से वो घुल जाता है, ऑक्सीजन के साथ जल्दी से मिश्र हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इसीलिए हीलियम मिलाया जाता है अदर गैस की अपेक्षा। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनय, श्रुता, आत्मजा, दुहिता। तो पुत्री 82 क्वेश्चन नंबर है। पुत्री का आपका पर्यायवाची नहीं है तनय। ठीक है, तो आउट ऑफ 20 में आपका कितना करेक्ट हुआ है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लाइक करते हैं सेशन को, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।